अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ऐसे है कि इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि सिंपली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाएंगे और मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस है। इसमें ये है कि सबसे पहले आपके बेसिक हेड्स कंट्रोल, यहाँ पर आप अपना बेसिक रॉ डाटा जितना भी है वो इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी सप्लायर का कार्ड ऐड करना है, प्रोडक्ट का, कस्टमर वगैरह का, वो सारा डाटा आप यहाँ से डाल सकते हैं। सेकंड टाइप इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फाइनेंस कंट्रोल के, जिसमें आप इन्वेंट्रीज और फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैश वगैरह के जितने भी मामले आते हैं और प्रोडक्ट्स की इन आउट जितनी भी है, वो सारी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सेक्शन जो रिपोर्टिंग के हवाले से, जिसमें आप रिपोर्ट्स वगैरह को जो भी है, कोई भी रिपोर्ट चेक करनी हो तो यहाँ से देख सकते हैं। और मिसलेंस कार्ड कंट्रोल में आप अपने लेआउट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं सॉफ्टवेयर का थीम वगैरह या कोई चीज़ आपने चेंज करनी है तो यहाँ से आप लेआउट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यह कि सबसे पहले बेसिक हेड्स कंट्रोल में क्या है कि आपके बेसिकली सप्लायर्स के कार्ड हैं, यहाँ पर आके आप अपने जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे आप परचेजिंग्स कर रहे हैं उनके कार्ड इनपुट कर सकते हैं। नया कोई सप्लायर ऐड करना तो यहाँ से न्यू एंट्री करके उसके स्पेसिफिकेशंस देख के आप सेव भी कर सकते हैं। पुराने किसी रिकॉर्ड को एडिट करना तो सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और उसमें यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देख के सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी टाइप के टाइप के बाद सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, SMS कॉन्टैक्ट और उसका एड्रेस वगैरह डाल के यहाँ सेव का बटन है, सेव एंड क्लोज कर सकते हैं आप। इसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, जिन जिन प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं प्रोडक्ट्स यहाँ से डाल सकते हैं। उनकी कंपनीज, कैटेगरीज और सप्लाई टाइप्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि दो तीन डिफरेंट कंपनी से स्टॉक आता है तो वो कंपनीज नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज का आपका स्टॉक है तो यहाँ पर आप कैटेगरीज को एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट रिकॉर्ड आप यहाँ पर ऐड करेंगे। नई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपने न्यू करना है। पुराने किसी भी प्रोडक्ट को आपने एडिट वगैरह करना हो तो सिंपली उसको डबल क्लिक करके या अगर सर्च करना तो राइट क्लिक करके शो फाइंड इस पे आके शो ऑटो फिल्टर करें और यहाँ से इनिशियल्स टाइप करके, फॉर एग्जाम्पल फॉर एस डॉट एस 1x है तो वो सारी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सिंपली आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशंस डालनी हो तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बार कोड चेंज करना है उसको चेंज करें, नेम वगैरह, सेल रेट, साइज, होलसेल प्राइस, परसेंटेज, कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन सारी आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नई एंट्री करनी हो तो सिंपली आपने न्यू करना है। न्यू करने के बाद इस शोन इन लिस्ट को आपने टिक लाजमी करना है ताकि आपको लिस्ट में डिस्प्ले करते हैं उसका बार कोड या मैनुअल कोड आप टाइप कर लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, साइज, होलसेल, परसेंटेज, कॉस्ट, उसके बाद आपकी कंपनी कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, ओपनिंग डेट क्या है, क्वांटिटी कितनी, रीऑर्डर लेवल रिमार्क्स हैं, ये स्पेसिफिकेशन सारी आप यहाँ पर डाल के यहाँ सिंपली सेव कर देंगे। इसको कैंसिल करते हैं। यह प्रोडक्ट रिकॉर्ड फिटिंग का सारा प्रोसीजर है। इसके बाद एम्प्लाईज हैं आपके, कि जो सेलमैन, ऑर्डर बुकर या आपके एम्प्लाईज जितने भी वर्कर्स आपके पास काम कर रहे हैं, लोडर वगैरह, उन सारों के रिकॉर्ड आप यहाँ पर सिंपली डाल सकते हैं। सिंपली आपने न्यू करना है। न्यू करने के बाद यहाँ पर एक्टिवेशन टाइप एक्टिव करनी है। यूज़र रोल उसका आप यहाँ पर यूज़र कर दें, उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी कितनी, कॉन्टैक्ट नंबर, क्रेडिट, स्पेसिफिकेशन ऐड करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। तो आपके जितने भी एम्प्लॉय उनका रिकॉर्ड यहाँ पर फीड कर लीजिएगा ताकि उनको एडवांस वगैरह या सैलरीज वगैरह पे आउट करते हैं वो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर कस्टमर्स रिकॉर्ड हैं कि आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स की सिटीज़ यहाँ से ऐड हो जाती हैं, कस्टमर टाइप यहाँ से ऐड हो जाती है, सिटी में कौन से इलाके का वो कस्टमर है। इस तरीके से कस्टमर टाइप में आपके होल सेलर्स वगैरह आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं, इसी तरीके से कुछ डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं, कुछ स्पेशल कस्टमर्स होते हैं, परसेंटेज वाले होते हैं, शॉपकीपर्स कुछ होते हैं, तो सारे, या वेल्डर्स की सेपरेट आपकी कैटेगरी आती है तो वह कैटेगरीज आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से कस्टमर कार्ड यहाँ से सिंपली कस्टमर ऐड होंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद इस शोन लिस्ट को टिक करना है। कस्टमर नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, SMS कॉन्टैक्ट आ जाएगा, उसके बाद कस्टमर टाइप क्या है, उसके बाद सिटी कौन सी है, सिटी के बाद CNIC नंबर, NTN नंबर, उसकी ओपनिंग डेट और ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ से डाल के सिंपली सेव कर देंगे। इसके बाद किसी पुराने कस्टमर को एडिट करना हो तो उसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके, फॉर एग्जांपल ये परवेज भाई को आपने एडिट करना है तो यहाँ से सिंपली डबल क्लिक करें, स्पेसिफिकेशन चेंज करें और सेव कर दें। ये आपके कस्टमर्स रॉ एंड डाटा एंट्री का, एम्प्लाईज का, प्रोडक्ट का और सप्लायर्स का बेसिकली प्रोसीजर है। इसी तरीके से आपके फाइनेंशियल हेड्स होते हैं, उनकी आपने अगर एंट्रीज करनी है, फाइनेंशियल हेड्स मीन कि आपके बैंक अकाउंट्स हैं, कैश इन हैंड है, पेटी कैश है, उनकी एंट्रीज को आपने एडिट अपडेट करना है तो वो उसको आप यहाँ से एडअप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल हेड्स रिकॉर्ड कंट्रोल है, वो यहाँ पे क्लिक करें।
अच्छा, इसका जो मेन ग्रुप्स यहाँ से डल जाएंगे, सब ग्रुप्स यहाँ से एंटर हो जाएंगे और सब ग्रुप 02 कंट्रोल है। फर्दर यहाँ पर आपके कैश टाइप जो भी चेक है, कैश है, रिकवरी वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और एक्सपेंस हेड्स आपके यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। कौन कौन से टाइप के आप एक्सपेंस इसमें फीडअप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोडिंग पे है, इस तरीके से आप कहते हैं सैलरीज वगैरह के एक्सपेंस हैं वो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, और एम्प्लॉय सैलरीज में भी आप मैनेज कर सकते हैं। फ्यूल वगैरह का, फूड वगैरह का एक्सपेंस है तो वो आप सारा यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल हेड्स आपके यहाँ पर सिंपली ऐड हो जाते हैं। इसको ओपन करके यहाँ पर न्यू क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी नया फाइनेंशियल हेड, फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड है, बैंक कैश इन बैंक है, अगर आपके लड़के हैं उनके दो तीन डिफरेंट हेड्स मैनेज करते हैं, या आपका उधर जैसे दूसरा सेटअप है वहाँ पर एक लड़का है उसके पास कैश होती है सारी डे की, तो वो उसका एक हेड यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। नेम देंगे, नेम के साथ उसका मेन ग्रुप कौन सा है, सब ग्रुप कौन सा है, और कौन कौन से हेड से आप कैश कर आउट कर रहे हैं या इन कर रहे हैं, वो सारी यहाँ स्पेसिफिकेशन दे के सेव कर लेंगे। इस तरीके से ऑलरेडी जैसे डिफ़ॉल्ट का, कैश इन हैंड का, मीज़ान का, सुमेट का, ये हेड्स ऑलरेडी डले भी हुए हैं, तो बाकी नए भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली सारा जितना भी था, ये रायन का था कि इनिशियल्स जो आपके हैं उनकी फिटिंग के हवाले से, कि आपका किसी प्रोडक्ट को, कस्टमर्स को, सप्लायर को, या एम्प्लॉय को, या फाइनेंशियल हेड को कैसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा परचेज एंड सेल्स का है, वो सारे के सारा यहाँ पर इन्वेंट्री के ऊपर आ जाता है। इसमें परचेज भी आ जाएगी, सेल्स भी आ जाएगी, आपके रिकवरी एंड क्रेडिट्स वगैरह जितने भी हैं, एक्सपेंस हैं, कैश डिपॉजिट्स हैं, और कैश फ्लोज वगैरह और सैलरी पेमेंट्स वगैरह, वो सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज पे आ जाते हैं, परचेज के लिए यहाँ पर सिंपली आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप सारी की सारी परचेज को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यू एंट्री करनी है, न्यू एंट्री करने के बाद किस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कौन कौन सा आइटम, इनिशियल्स टाइप कर सकते हैं, बाई नेम सर्च कर सकते हैं, आपने वो आइटम दिया, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, किस रेट पे परचेज कर रहे हैं, ग्रॉस अमाउंट को परसेंटेज कम ज़्यादा कितनी ऐड अप होती है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। परसेंट ऐड हुई तो वो नेट कॉस्ट प्राइस यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से बाई कोड जो आपने सिस्टम में कोड फीड किए हैं, बार कोड वाली जगह पर वो अगर लेके चलते हैं तो उसके थ्रू भी आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं, उसकी क्वान्टिटी मैंशन करें, किस रेट पर आप परचेज करें, और रेट वगैरह दें स्पेसिफिकेशन के साथ इंक्रीज करेंगे। इसके बाद आप इस सप्लायर को कितनी पेमेंट कर रहे हैं करंट इनवाइस के टाइम पे वो यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई अगर आपको लेस वगैरह आती है, एडिशनल लेस, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल वैल्यू बनती है 52,240, वो आप कहता है कि यार मुझे 52,000 दे दो, 240 में आप कर देता हूँ, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरीके से एक्सपेंस वगैरह कितना है, एक्सपेंस के बाद नेट पेमेंट जो है वो कितनी पे आउट कर रहे हैं, वो पेमेंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और ये पेमेंट कौन से फाइनेंशियल हेड से आप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको टोटल 52,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो 52,000 आप यहाँ पर डालें, 52,000 की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर कौन से फाइनेंशियल हेड से दे रहे हैं, सिंपली उसको सेलेक्ट करके सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये इनवाइस आप वापस भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि स्टॉक जो है वो हमने कस्टमर को रिटर्न करना है, सप्लायर को, सॉरी, रिटर्न करना है, तो वो कंपनी अगर माल वापस भेज रहे हैं तो आपने सिंपली न्यू करना है, यहाँ पर आइटम नेम स्पेसिफिकेशन उसी तरीके से नॉर्मल सेल्स इनवॉइस बनानी है, और सिंपल आपने इनवॉइस रिटर्न को टिक कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि ये कस्टमर, सॉरी, सप्लायर के खाते में ऐड अप हो जाएगा कि ये स्टॉक आपने सप्लायर को रिटर्न भेजा है। मीन कि जितनी भी आपकी इनवॉइस बनी है उसकी एक्टिविटी इनवर्स हो जाएगी, कि वो पेमेंट सप्लायर के हेड से आउट होने के बजाय सप्लायर के हेड में डिपॉजिट हो जाएगी, और जितनी पेमेंट आप यहाँ पर डालेंगे उसका मतलब ये है कि सप्लायर ने आपको उतनी वैल्यू पे आउट कर दी हुई है, कि आपने स्टॉक उसको वापस भेजा और उसके साथ उसने पेमेंट कर दी है। और अगर आप इस सप्लायर को पहले या बाद में पेमेंट भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, या इनवाइस आ गया उसके हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सिंपली आपने क्या करना है, पे टू सप्लायर पे आके यहाँ पर सिंपली एक न्यू इनवाइस एंट्री कर लेनी है, कि किस डेट को अगेंस्ट क्या है, फाइनेंशियल हेड कौन सा जिससे आप पे आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंक से दे रहे हैं, कैश इन हैंड से दे रहे हैं, कौन सा सप्लायर है। उसके बाद यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट टाइप आ जाएगी, 1 फॉर डेबिट है और 2 फॉर क्रेडिट है। अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर दें, कितने अमाउंट आप उसको पे आउट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद सेव कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके हेड में इन या आउट हो जाएगी यहाँ से। अगर आप किसी सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर आप डेबिट कर दीजिएगा, और अगर किसी सप्लायर से कोई आपको वैल्यू एडजस्ट होती है, कोई आपको वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह दे देता है, या इनवाइस से हट के कोई वैल्यू आपको पे आउट करता है, तो उसके हेड में क्रेडिट कर दीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपके सप्लायर्स के लेजर्स वगैरह, वो आपको रिपोर्टिंग सेक्शन बता देंगे कि उसके लेजर्स वगैरह कैसे मैनेज करने हैं।
सेकंड सेक्शन आपका सेल्स के वाले से आ जाता है। इसमें सिंपली आपने जो रेगुलर बिलिंग करनी है वो आपने क्या करना है कि यहाँ पर सेल्स कंट्रोल पे आएंगे। सेल्स कंट्रोल पे आके सिंपली आपने न्यू इनवॉइस बनानी है। न्यू इनवॉइस बना के यहाँ पर जैसे न्यू पे क्लिक किया तो मेन जो इंटरफेस आ गया। सबसे पहले तो आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है कौन सा कस्टमर है, उसके बाद कौन सा आइटम। यहाँ पर आपने आइटम नेम दे देना या बाई कोड हम सर्च कर लेते हैं 001 आइटम है, ये 2 पीस दे रहे हैं, 3 पीस दे रहे हैं, कितने पीस देने हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कितनी प्लस माइनस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 2% प्लस करना है। और ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर बेसिकली आपकी कॉस्ट प्राइस आ रही है, तो इससे आप मेंशन कर लेंगे ये 120 वाला है या कौन सी कितनी कॉस्ट प्राइस वाला स्टॉक आप इसको आउट कर रहे हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं कि इस कॉस्ट प्राइस का ये स्टॉक आप आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से डिफरेंट आइटम्स आप सेलेक्ट करते जाएँ और इनवाइस बनाते जाएँ। फर्दर ये इनवाइस किस डेट की है, सेलमैन कौन सा है, उसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ पर परसेंटेज और वैल्यू में डाल सकते हैं। कोई आपका खर्चा वगैरह तो यहाँ पर एक्सपेंस में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं उस टाइम पे वो डालेंगे। अगर आप पहले या बाद में पेमेंट लेते हैं तो वो रिकवरीज में भी आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक इनवाइस बन गई, इस इनवाइस को आपने प्रिंट आउट करना, तो यहाँ से प्रिंट का बटन है। मैं जैसे प्रायर इनवाइस को ओपन करता हूँ तो यहाँ से हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। एक आपका प्रिंट है, इसके ऊपर ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी आ रही है और इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये रेगुलर आपने बिलिंग करनी है। बिलिंग करने के बाद नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है रिकवरीज का, अगर कोई पुराना बिल है वो बंदा आके आपको रिकवरी दे जाता तो यहाँ पर रिकवरी रिकॉर्ड पे आएंगे, सिंपली न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद किस डेट को आप रिकवरी ले रहे हैं, किस कस्टमर से रिकवरी ले रहे हैं, कैश टाइप कैश दे रहा है या चेक दे रहा है, कितनी अमाउंट दे रहा है और कौन से एम्प्लॉय के थ्रू ये आपकी रिकवरी है। ये सिंपल इंटर करने के बाद सेव करेंगे तो इस कस्टमर के हेड में ये इंटर हो जाएगी कि इस कस्टमर ने इतनी आपको रिकवरी कर दी हुई है। नेक्स्ट अगर कोई स्टॉक रिटर्न आ जाता है, कोई कस्टमर आपको माल वापसी दे देता है, तो वो सिंपली आपने सेल्स कंट्रोल पर ही आके एक न्यू इन्वाइस जनरेट करनी है। न्यू इन्वाइस जनरेट करने के बाद सिंपली नॉर्मल इन्वाइस बनानी है, जैसे आप इन्वाइस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आइटम 001 आपके पास 15 पीस वापस आ गए हैं, तो 15 यहाँ मेंशन करें किस रेट पे आप वापस ले रहे हैं, वो रेट आप यहाँ पर डालेंगे। रेट ऐड करने के बाद यहाँ पर इनवाइस रिटर्न को टिक कर देना है कि ये इस इनवाइस रिटर्न का स्टॉक आपके पास वापस आ गया। यहाँ कॉस्ट प्राइस मेंशन करेंगे कितनी कॉस्ट प्राइस है, और उसके बाद यहाँ पर इनवाइस रिटर्न आपने डाल देना है कि ये कौन से रिटर्न का कौन से स्टॉक जो है वो आपका रिटर्न आ रहा है इस कस्टमर से। बेसिकली ये आइटम फॉर एग्जाम्पल टोटल वैल्यू इसकी बनती है 6,930 रुपये की, तो ये 6,930 रुपये इस कस्टमर हेड से लेस हो जाएंगे। सिंपली आपने सेव करना है, सेव करने के बाद उसी तरीके से उसको रिजल्ट प्रिंट आउट दे सकते हैं। किसी इनवाइस को रिमूव करना हो तो यहाँ से रिमूव पे क्लिक करके इनवाइस डिलीट भी कर सकते हैं। किसी पुराने बिल को एडिट करना हो सिंपली उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद एडिट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास ये इनवाइस है, इसको एडिट करना है, तो सिंपली डबल क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेंस है डेली वेजेस का एक्सपेंस, हम यहाँ से ऐडअप कर सकते हैं कि हम कौन सा वाला एक्सपेंस कर रहे हैं, खाने पीने का एक्सपेंस है, कोई और एक्सपेंस है, वो सारे के सारे आप यहाँ से एक्सपेंस इंक्रीज कर सकते हैं। शाम के टाइम जितनी भी कैश है आप देखें ड्रॉअर में, जितनी भी कैश पड़ी है वो आपने सिंपली क्या करना है कि कैश डिपॉजिट पे आके आपने कैश डिपॉजिट कर लेनी है। यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि एम्प्लॉई जिसके नाम पे बिल बने हुए हैं, कौन से हेड में वो कैश डिपॉजिट हो रही है, किस डेट को डिपॉजिट कर रहे हैं और कितनी वैल्यू आप डिपॉजिट करें। सिंपली यहाँ पर एंट्री करने के बाद सेव करेंगे तो वो अमाउंट उस हेड में डेबिट हो जाएगी, और उसके बाद आप इसका कंप्लीट एक DSR स्टेटमेंट देख सकते हैं कि टोटल आज के दिन में कितना कितना स्टॉक गया। यहाँ से सेलमैन और डेट सेलेक्ट करें तो ये कंप्लीट आपको स्टेटमेंट दे देगा कि आज की डेट में टोटल कितना कितना स्टॉक आउट हुआ है, और उसके बाद रिटर्न वगैरह क्या रहा, टोटल स्टॉक वैल्यू क्या है, और यहाँ पर नीचे इसकी समरीज वगैरह आ जाती हैं कि इसमें रिकवरीज कौन सी थी, क्रेडिट कौन से थे, एक्सपेंस कितना हुआ, कैश डिपॉजिट्स क्या हुए, और ग्रॉस अमाउंट एंड परसेंटेजेस वगैरह क्या है, नेट डिफरेंस वगैरह क्या। ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम करंट ईयर कर लेते हैं तो इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारी डिस्प्ले हो रही हैं कि इसमें टोटल ऑडिट क्वांटिटी क्या थी, एडिशनल रिटर्न क्या रहा, सम रिटर्न कितना बनता है, उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी है, और सॉरी टोटल स्टॉक कितना बनता है, टोटल अमाउंट क्या है उसकी। इस तरीके से ये नीचे समरी है कि एक ही बिल बना था, उसमें क्रेडिट जो था वो 730 का हुआ, रिकवरीज कोई भी नहीं हुई, एक्सपेंस कोई भी नहीं हुआ, उसके बाद आपकी कैश डिपॉजिट भी अभी हमने कोई भी नहीं ऐड की थी, टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनती है,
सम ग्रॉस अमाउंट है, परसेंटेज, एसपीएल, इनवॉइस एक्सपेंस, नेट वैल्यू, कैश सेल कितनी हुई है, एडिशनल रिटर्न क्या रहा, उसके बाद एडिशनल रिटर्न पेड क्या रहा, क्रेडिट वैल्यू कितनी हुई, मैनुअल क्रेडिट्स कितने और रिकवरीज कितनी हुई, कितनी कैश इसके पास होनी चाहिए थी, उसने डिपॉजिट कितनी कराई है और डिफरेंस कितना आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपये की कैश सेल की थी हमने, कैश ड्रॉअर के अंदर 4,000 पड़े हुए थे, वो हमने डिपॉजिट नहीं किए, तो जीरो डिपॉजिट आ रहा है, 4,000 रुपये का डिफरेंस शो कर रहा है। अब इस तरीके से जो एक्सपेंस वगैरह होता है वो लेस करने के बाद भी यहाँ पर आपको एक नेट वैल्यू शो कर देगा। फर्दर ये आपकी आज के दिन की पूरी स्टेटमेंट अगर चेक करनी हो, कौन कौन सी इनवाइसेस बनी है, कैश भी बनी है, क्रेडिट भी बनी है, उसके लिए पिक लिस्ट आ जाती है। पिक लिस्ट में ये आपके कंप्लीट एक डिटेल आ जाती है। आपने सिंपली क्या करना है, इस इनवाइस रिटर्न को यस करके, ये भी स्पेसिफिकेशन आपने देखनी है कि कौन कौन सी इनवाइसेस रिटर्न आई है। नो करेंगे तो इसमें ये है कि रेगुलर आपके पास इनवाइसेस जितनी भी बनी है वो शो कर देगा, एज रिटर्न यस करेंगे तो इसमें जो रिटर्न आज के दिन की इनवाइसेस बनी है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने साथ में डेली की प्रिंट आउट कर लेनी है। फर्दर आपकी ये इनवाइस वाइज सेल्स हैं, ये अगर आप चेक करते हैं कि बिटवीन डेट रेंज आपकी कौन कौन सी इनवाइसेस बनी है, कितनी कितनी वैल्यू की, तो वो एक आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसमें आप सेलमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक कस्टमर की इनवाइसेस अगर आपने चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आज की सिर्फ देखनी है तो यहाँ से टुडे डेट कर लें, और टुडे करके उसकी इनवाइसेस को प्रिंट आउट कर सकते हैं सबमिट करके। अच्छा, फर्दर आपकी जो चीज़ें आ जाती हैं, प्रोडक्ट लेजर, किसी एक प्रोडक्ट लेजर चेक करना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट कौन कौन से हेड से कहाँ कहाँ परचेज हुई और कहाँ कहाँ इसकी जो सेल्स हुई हैं वो सारी आपकी परचेज और सेल्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा होगा किसी एक सिंगल स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, जो ओपनिंग क्या है उसकी, स्टॉक इन कितना और स्टॉक आउट कितना और बैलेंस क्या। इसी तरीके से आपके जो सैलरीज हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करते हैं, यहाँ पर सैलरीज जनरेट कर सकते हैं, किसी कितनी सैलरी बन रही है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है, इस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बनती है, इस डेट को रिडक्शन क्या है, उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी है, सैलरी टिल डेट कौन से मंथ की सैलरी है, कमीशन कितना बनता है, टोटल अमाउंट उसकी क्या बनती है, और मार्क्स डाल के सिंपली सेव कर देंगे, ये उसकी सैलरी एडअप हो जाएगी कि इतनी पेमेंट आपने इसको करनी है। इस तरीके से जब सैलरी पे कर रहे होते हो, पे टू एम्प्लॉयज पर आके आप एंटर कर सकते हैं, इसमें एडवांस भी डाल सकते हैं और सैलरी भी पे आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन से एम्प्लॉय को, किस डेट को, कौन से फाइनेंशियल एड से कितनी अमाउंट आप पे आउट कर रहे हैं। ये आप लेजर्स वगैरह में सारा देख सकते हैं किस किस एम्प्लॉयज कितनी सैलरी बनती थी और कितनी कितनी पे आउट की है। जो प्रोडक्ट ट्रैकिंग है ये प्रोडक्ट लेजर के ऊपर मिल जाएगी आपको। सिंपल, आपने प्रोडक्ट लेजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने देना है कि कौन सी प्रोडक्ट है, और यहाँ से आप सबमिट करेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि यह प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से इनवाइस में इन हुई है, आउट हुई है, या क्या उसकी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं आइटम कोड 1, इसमें ये बता रहा है कि परचेज इनवाइस नंबर 1। अब ये प्रोडक्ट मैंने सेम टाइम पे चारों एक ही इनवाइस के अंदर 4 दफ़ा ऐड की थी, तो ये साथ में इनवाइस नंबर 1 शो हो गया है। अब इनवाइस नंबर 2 में आई हो तो इनवाइस नंबर 2 भी आ जाएगा, 3 हो वो यहाँ पर सारी इनवाइसेस डिस्प्ले कर देगा कि किस इनवाइस में इन हुई है या आउट हुई है। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे एक सेल्स जनरेट करते हैं और इसमें हम दे देते हैं इसी इनवाइस में, फॉर एग्जांपल हम आइटम 001 भी डाल देते हैं, इसको करते हैं 12-20 हमने आउट किए, तो इसको अब यहाँ से अपने प्रोडक्ट लेजर में चेक कर सकते हैं। आइटम 1 है तो ये आपको शो कर रहा है सेल्स अगेंस्ट इनवाइस नंबर 1 12 पीस, अब टोटल 138.51 पीसेस पड़े हुए हैं आपके पास। इसके बाद ये रिपोर्टिंग सेक्शन है, एक तो बेसिक रिपोर्ट्स यहाँ पर थी आपकी, जैसे प्रोडक्ट लेजर है, DSR है, पिक लिस्ट है और इनवाइस वाइज सेल्स हैं। इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग सेक्शन में आपकी स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट ऑल चेक करनी हो यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा आइटम आपके पास कितनी कितनी क्वान्टिटी में किस किस रेट भी पड़ा हुआ है। इस तरीके से स्टॉक रिपोर्ट कॉस्ट प्राइस बेस्ड अगर आपने चेक करनी है, उस मल्टीपल कॉस्ट प्राइसेस के स्टॉक आपको मल्टीपल यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से ये सेल्स रिपोर्ट है, कॉस्ट बेस्ड का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक आइटम 2-3 कॉस्ट प्राइसेस पर पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कि ये डिफरेंट कॉस्ट प्राइसेस पे आपके पास आइटम पड़ा हुआ है और कितनी क्वान्टिटी में। इसी तरीके से सेल्स रिपोर्ट है, ये आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय की ओवरऑल एक सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज लेजर हैं,
कि जो हमने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह जनरेट की थी और उनको पेमेंट्स किए थे, वो यहाँ पर आपको कंप्लीट एक लेजर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने तो जस्ट एक नसीर अहमद ही मैंशन किया हुआ है, बाकी एम्प्लॉयज़ का भी अगर डाटा आप एडअप करते हैं, उनको आप एडवांसेज या पेमेंट्स वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर एक कम्प्लीट लेजर डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से ये एम्प्लॉयज़ के बैलेंस आपको डिस्प्ले कर देता है कि किस किस एम्प्लॉय कितना कितना बैलेंस है, और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ की कैश फ्लो डिस्प्ले कर देगा कि क्या क्या डेबिट एंड क्रेडिट में। इस तरीके से ये आपके कस्टमर्स लेजर है, सेलर्स लेजर है, फाइनेंस लेजर है। कस्टमर्स लेजर में क्या है, किसी एक कस्टमर का लेजर अगर आपने चेक करना, सिंपली उस कस्टमर को सिलेक्ट करें, डेट रेंज दें, तो उसके डेबिट एंड क्रेडिट आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर हम करते हैं मेंशन कस्टमर्स बैलेंसेस, किस कस्टमर का कितना क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पर आपने डेट देनी है, किस डेट तक का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, किस सिटी के कस्टमर्स और किस टाइप के कस्टमर्स आपने देखने हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आप एक बैलेंस रिपोर्ट देख सकते हैं हर कस्टमर की। और यहाँ पर आपके कस्टमर से कैश फ्लो मिल जाएंगे, या कस्टमर्स के आपके बिटवीन डेट रेंज डेबिट एंड क्रेडिट्स क्या रहे हैं। इसी तरीके से आपके सेलर्स के लेजर हैं, किसी एक सेलर के लेजर चेक करने हैं, तो ये उसका ऑप्शन है कि आपने ऑल सेलर्स के बैलेंसेस चेक करने क्लोजिंग, तो ये उसका ऑप्शन मिल जाएगा। और आपने सेलर वाइज कैश फ्लो चेक करनी है, तो यहाँ से आपको मिल जाता है। फर्दर आपका लास्ट स्टेप्स जो है फाइनेंस के लेजर्स, जैसे एक आपने फाइनेंशियल हेड का कैश इन हैंड का या बैंक का लेजर चेक करना हो, तो सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद उसका लेजर देख सकते हैं, फाइनेंसिस के बैलेंसेस कि किस किस फाइनेंशियल हेड में कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट में। इस तरीके से ये आपका कैश फ्लो है कि इसमें कौन से हेड में कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ है। और इसके साथ में बैलेंस शीट, ये कम्प्लीट एक आपकी स्टेटमेंट आती है कि आपके एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़ क्या स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको आज करंट एसेट्स आपके क्या हैं, फिनिश गुड्स, सप्लायर्स रिसीवेबल्स, मार्केट रिसीवेबल्स, स्टाफ एडवांसेस कितने हैं। इस तरीके से लाइबिलिटीज़ में सप्लायर्स पेएबल्स, मार्केट पेएबल्स और ड्यू सैलरीज के हैं, और फाइनेंशियल हेड्स के एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़ के हैं, और टोटल आपकी नेटवर्थ कितनी बन रही है, यहाँ पर नेटवर्थ डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद इसमें जो आपके फाइनेंशियल हेड्स हैं उसमें आपकी पेमेंट डेबिट और क्रेडिट कहाँ कहाँ से होती है, वो बेसिकली एक आपके एक्सपेंस से इन आउट हो रही होती है, एक्सपेंस से आपके कितनी पेमेंट आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज पे कर रहे हैं उसके थ्रू आउट होती है, पेमेंट सप्लायर के थ्रू आप डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट के थ्रू आपकी पेमेंट इन हो रही होती है, और कैश फ्लो कंट्रोल में आप कस्टम भी इन आउट कर सकते हैं कि इसमें कौन से फाइनेंशियल हेड से आप पेमेंट डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं, और कितनी वैल्यू किस डेट को अगेंस्ट की और डिस्क्रिप्शन क्या है, ये भी आपको लेजर में डिस्प्ले कर देगा। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू, बाकी साथ साथ अगर कोई क्यूरीज आती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं।